आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 से लेकर 36 तक। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के 14 पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, या कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, धैर्य रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने के लिए आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गनसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों के नाम के पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास के द्वारा ही हम सभी प्रभु ईसा मसीह की सच्ची उपस्थिति को अनुभव करते हैं। विश्वास ही कलीसिया को एक परिवार बनाता है। आज के पाठ में हमने सुना कि संत पेत्रुस प्रभु को पहचानते ही प्रभु की ओर आने के लिए पानी पर चल पड़ते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी भी भारी चीज का पानी में डूबना प्रकृति का नियम है। पेत्रुस भी इस नियम को जानता था, फिर भी प्रभु जैसे पानी में चलने के लिए कोशिश करते हैं। पेत्रुस अपने भारी शरीर के कारण पानी में डूबने नहीं लगे, बल्कि अविश्वास, संदेह और भय के कारण डूबने लगे। हम भी प्रभु से दूर होकर पाप, संदेह और बुराइयों में डूब गए हैं। हमारे इस परिस्थिति से बचाने के लिए प्रभु यीशु हर दिन अपना हाथ बढ़ाते हैं। उनके हाथ पकड़कर हमें ऊपर आना है, पाप एवं बुराई को त्यागना है, विश्वास में दृढ़ बनना है और प्रभु पर भरोसा रखना है। तभी हम प्रभु की सच्ची उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आज के पाठ में लोगों ने रोगियों को प्रभु के पास लाते हैं ताकि प्रभु उन्हें स्पर्श करें। उन्हें विश्वास था कि प्रभु को कपड़े का पल्ला भर चुने से वे चंगे हो जाएंगे। उसी प्रकार प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। इस उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हम प्रयत्न करें। हम प्रभु को सच्ची दिल से आराधना करें, दंडवत करें और उनकी महिमा गाएं।
ताकि प्रभु की आशीष एवं कृपा हमें प्राप्त हो।